द सेंटेंस. वॉट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होती है? रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द टेबल बिलो एंड कंपेयर दोज इन ए कॉलम ए विद द वंस इन कॉलम बी. बोल रहे हैं कि आप ये ग्रुप के वर्ड्स पढ़ो जो एक एक टेबल पे दिया गया है और कंपेयर करो कॉलम ए के साथ कॉलम बी. नंबर वन, रचना स्कूल. नंबर टू, श्रीलंका इज एन आइलैंड. नंबर टू, when the ग्रास ऑपर. बी ऑप्शन, मीनू हैज थ्री टी शर्ट. कॉलम ए, श्रीलंका आइलैंड एंड हिज. माय ब्रदर लाइक कोल्ड कॉफी. लाइक्स ब्रदर कोल्ड कॉफी. माय वेयर इज नेगलैंड. यहाँ पे देखिए, रचना स्कूल, इससे एक कोई सेंटेंस का मतलब ही नहीं होता है. When the grasshopper, इससे भी कोई मतलब नहीं होता है एक सेंटेंस की. श्रीलंका आइलैंड एंड इज, इससे कोई सेंटेंस नहीं बनती है. लाइक्स ब्रदर कोल्ड कॉफी माइन, इससे भी कोई सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रही है. कॉलम बी में देखिए, श्रीलंका इज एन आइलैंड. श्रीलंका एक आइलैंड है. मीनू हैज थ्री टी शर्ट. मीनू का तीन टी शर्ट है. माई ब्रदर्स लाइक कोल्ड कॉफी. मेरे ब्रदर कोल्ड कॉफी पसंद करते हैं. वेर इज नेगलैंड. नेगलैंड कहाँ पे है? तो इस सेंटेंस में हम लोग मीनिंगफुल सेंटेंस हो, ये मीनिंगलेस सेंटेंस जिससे कोई मतलब सेंटेंस बनती नहीं है. ऑल फोर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन कॉलम ए आर मीनिंगलेस. ये कॉलम ए के जितने भी चार हैं ये सारे मीनिंगलेस है. बट ऑल द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन कॉलम बी मेक सेंस. लेकिन कॉलम बी में जितने भी वर्ड्स है, जितने भी सेंटेंस है, ये एक सेंस मतलब आपको बताती है कि हाँ ये सही है, मीनिंगफुल. दे आर सेंटेंस, इसको सेंटेंस बोला जाता है. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स लेके. दैट मेक्स कम्प्लीट सेंस, जो कम्प्लीट सेंस कुछ मीनिंगफुल आपको कुछ बताती है. इट हैज़ ए यूनिटी, एक यूनिटी होती है. स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली एंड एक्सप्रेस अ क्लियर मीनिंग. एक यूनिटी होती है इकट्ठा. स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली, एक एक मतलब खुद को एक्सप्रेस करती है अपने जैसा. एक एक्सप्रेस ए क्लियर मीनिंग और बहुत अच्छा मीनिंग देती है. सेंटेंस मस्ट कॉन्टेन एन एक्शन वर्ड. सेंटेंस में एक एक्शन वर्ड्स जरूर होती है और वर्ब, और इसको क्या बोलते हैं, वर्ब. सेंटेंस ऑल्सो कंटेन ए सब्जेक्ट. और सेंटेंस में क्या रहती है, सब्जेक्ट भी रहती है और द डू ऑफ द एक्शन. सम सेंटेंस इंक्लूड एन ऑब्जेक्ट. कुछ कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहती है. That is the persons or thing that undergoes the action. जैसे cheetahs, subject क्या है, door of the action. सब ये क्या है, door of the action. Run, run क्या है, verb है, ये action है और ये door of the action. First, cheetah first. Cheetah subject, door of the action. Chase verb, ये जो action होती है, action verb. Deer मतलब object हो जाती है. थिंग दैट अंडरगोज द एक्शन, जो इसका मतलब देती है कि कौन कर रहा है. सेंटेंस बींग विथ ए कैपिटल लेटर. सेंटेंस हर वक्त कैपिटल लेटर में स्टार्ट होती है. द एंड विथ अ फुल स्टॉप, वो फुल स्टॉप के द्वारा ख़त्म होती है. ए क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क भी रहती है, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. और सेंटेंस के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से, उस पर फुल स्टॉप आए या फिर क्वेश्चन मार्क आए या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आए. एक्सरसाइज वन, टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंस एंड क्रॉस दैट वंस विच आर नॉट. अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो सेंटेंस है उसमें टिक करो, जो सेंटेंस नहीं है उसमें क्रॉस करो. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि स्विमिंग गुड एक्सरसाइज है, तो इसमें टिक हो. मैलापुर चेन्नई इज इन, इससे कोई सेंटेंस का कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये ग्रुप जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इससे कोई मीनिंग नहीं आ रही है, तो ये क्या हुआ, ये सेंटेंस नहीं है. प्लास्टिक कप्स, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि प्लास्टिक कप्स क्या बताना चाह रहे हैं, तो इसको क्रॉस. ग्रेस इज 17 ईयर्स ओल्ड. ग्रेस इज 17 ईयर्स ओल्ड, ये यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं, जो ग्रेस लड़का है वो 17 ईयर्स की है. नंबर फाइव, इनटू द टब. इनटू द टब क्या है, नहीं है, क्या चीज़ को लेके बोल रहे हैं, यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं हो रही है, तो इसको क्या हो रहा है, क्लियर जब नहीं हो रही है तो ये क्रॉस. इट इज़ ए शोर, इसमें पता चल रहा है तो इसमें राइट.
विद एंड ग्रीन लोन, इसमें भी क्लियर पहनी हो रही है, तो क्रॉस फार अवे फ्रॉम नीलम्स हाउस क्रॉस, क्या फार अवे कि क्या कौन सा चीज दूर है ये नहीं इंडिकेट कर रही है, तो ये क्रॉस लाइट पेपर वेट, लाइट पेपर वेट क्या है, कौन सा चीज की मैटर पे बोल रहा है यहाँ पे क्लियर नहीं किया रहा है, तो ये क्रॉस है। वन ऑफ शंकुरम पैरोट इज डेड, हाँ बोल रहे हैं कि एक शंकुरम पेरम के एक पैरोट क्या होगा मर गया है, तो इसको क्या इसमें मीनिंग आ रही है, तो इसमें राइट। अब आ रही है एक्सरसाइज टू में, ऑर्डर द पार्ट्स टू मेक सेंटेंस एट करेक्ट पंक्चुएशंस। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे नंबर वन के ए और बी पे दोनों को मर्ज करो और इससे एक सेंटेंस बनाओ, तो क्या है, विल गो टू रशिया इन डिसम्बर आवर फुटबॉल कोच। अब यहाँ पे एक एक का यहाँ पे देखो, विल गो टू रशिया डिसम्बर, इस पर कुछ मीनिंग नहीं आ रहा है, आवर फुटबॉल कोच क्या बोलना चाहते हैं इस पर कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर हम दोनों को ऐड कर दे, ऐड करके एक सेंटेंस बना लें तो मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकती है, जैसे आवर फुटबॉल कोच विल गो टू रशिया इन डिसम्बर, आवर हमारे फुटबॉल कोच जाएंगे दिसंबर में रशिया। द टी वी हु टर्न और नंबर सी में टर्न ऑफ, इसमें कोई कुछ भी नहीं बन रहा है, एक एक वर्ड्स है, लेकिन इसको हमको सेंटेंस बनाना है, तो इसको होगा हु टर्न ऑफ द टी वी, द गर्ल बी इज अमीशा राइडिंग द येलो बाईसाइकिल, तो इसमें कुछ इसको अगर सेंटेंस में बनाए तो हम लोग करेंगे द गर्ल राइडिंग द येलो बाईसाइकिल इज अमीशा, जो येलो बाईसाइकिल चला रही है वो कौन है, अमीशा है। फोर नंबर द क्रिस्टल वेज हु ब्रॉट ऑन द शेल्फ, तो इसमें सेंटेंस बनाएंगे हु ब्रॉट द क्रिस्टल वेज ऑन द शेल्फ। फिफ्थ नंबर टू फिक्स द फैन टुमारो इन द बेडरूम कॉल द इलेक्ट्रिशियन, इसका आएगा कॉल द इलेक्ट्रिशियन टुमारो टू फिक्स द फैन इन द बेडरूम। नंबर सिक्स दिस स्टैचू 400 ईयर्स ओल्ड ऑफ ए डांसिंग वूमेन इज, तो ये इसका सेंटेंस बनेगा द स्टैचू ऑफ ए डांसिंग वूमेन इज 400 ईयर्स ओल्ड। सेवन नंबर इज हाउ मार्वेलस द न्यू सी ब्रिज, तो इसका आंसर में आएगा हाउ मार्वेलस द न्यू सी ब्रिज इज। कुड यू from the bookstore get me a school atlas or on petal road, तो इसका सेंटेंस बनाने में आएगा could you get me a school atlas from the bookstore on petal road। the name pet parrot of your worries, इसका आंसर में आएगा इसका सेंटेंस बनेगा what is the name of your pet parrot below 12 in the magic show children not allowed are, इसको सेंटेंस बनाने में आएगा children below 12 are not allowed in the magic show। अभी बनाएंगे types of sentence, अब देखेंगे कितने सारे sentence होते हैं, कितने सारे types होते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है there are four major types of sentence, major type कितने चार चार sentence होती है, number one declarative, नंबर टू इंटरोगेटिव, नंबर थ्री इम्पैरेटिव, नंबर फोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी पढ़ेंगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डिक्लेमेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में होती है टेल समथिंग एंड इन विथ अ फुल स्टॉप, जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेमेटिव सेंटेंस होता है कि ये सेंटेंस कुछ बताती है और इसका जो लास्ट में फुल स्टॉप से ख़त्म होती है। अमेजन इज ए रिवर, अमेजन एक रिवर है। निकिता एट थ्री बनानास इन द मॉर्निंग, निकिता ने बनाना खाया है मॉर्निंग में, तीन बनाना खाए हैं। और ग्रैंडफादर लिव्स इन मदुराई, हमारे ग्रैंडफादर जो है वो मदुराई में रहते हैं। चार्ल्स डिकन्स वॉज ए फेमस ब्रिटिश नॉवलिस्ट, चार्ल्स डिकन्स जो है वो ब्रिटिश एक फेमस नॉवलिस्ट है। तो ये सिंपल सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे क्या आया फुल स्टॉप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव मतलब होता है कुछ चीज पूछना,
जो WH वर्ड से शुरू होती है. WH वर्ड मतलब हर पहले रहेगा WH, WH ये से. जैसे asks a question and end with a question mark. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होती है. जैसे when is the music festival starting? अब बोल रहे हैं कि म्यूजिक फेस्टिवल कब स्टार्ट होती है. नंबर टू, who left the bridge open? नंबर थ्री, how many hundreds are there in 100? नंबर फोर, was Kapil the captain of their team? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि was Kapil the captain of their team? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. यहाँ पे WH वर्ड से स्टार्टिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कपिल क्या कैप्टन था, उनका टीम का क्या कपिल कैप्टन था, ये हम किसी से पूछ रहे हैं. तो इससे क्या होता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है और क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होती है. अब इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, अब देखेंगे. गिव ए कॉमन और एन एडवाइस, यहाँ पे कॉमन एडवाइस देना और मेक्स अ रिक्वेस्ट और नहीं तो रिक्वेस्ट करना. दे ऑफन एंड विथ ए फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप से भी ख़त्म होती है और समटाइम्स एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क्स से ख़त्म होती है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहा जाता है. जैसे बोल रहा है गिव मी द रिमोट, हमें वो रिमोट दो. स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो. लेट्स गो होम, चलो घर चले. बस 7 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट आर एंड 3 ब्रिक्स, 7 क्या 7 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट और 3 ब्रिक्स खरीदो, ब्रिक्स ऑफ आइसक्रीम. डोंट मूव, यहाँ से मत हिलो. तो डोंट मूव में देखिए, जहाँ पे बोला जा रहा है कि एडवाइस कमेंट करना, तो जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म होती है. बाकी सारे देखिए फुल स्टॉप से ख़त्म होती है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अभी हमको पता चलेगा. सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इन विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब स्ट्रॉन्ग कुछ बताते हैं, क्या तुमको कुछ प्रॉब्लम या फिर जॉय या फिर जिसकी वजह से तुम्हारे फीलिंग एक्सप्रेस होती है, जिसकी वजह से इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है और एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म होती है. दे यूजुअली बीइंग विद द वर्ड्स व्हाट और हाउ, कौन सी स्टार्ट होती है, व्हाट या फिर हाउ, यूजुअली कौन सा स्टार्ट होती है, व्हाट एंड हाउ. जैसे व्हाट ए फाइन नेकलेस नेकलेस सरोज हैज, सरोज को देखो, सरोज के पास देखो कितना सुंदर नेकलेस है. जैसे हम ऐसे बताते हैं कितना सुंदर नेकलेस है सरोज के पास, तो इससे क्या होता है कि हम बताते हैं कि देखो हमारी फीलिंग बता रही है, तो इससे एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से एक्सक्लेमेशन मार्क्स से ख़त्म होती है. जैसे हाउ अमेजिंग द एलोरा केव्स आर, कितना सुंदर एलोरा केव्स है, हमको यहाँ पे हमारी फीलिंग हमारी हम लोग दिखा रहे हैं. व्हाट ए जीनियस रामानुज वाज, रामानुज कितना जीनियस था. हाउ क्लेवर द किंग्स मिनिस्टर्स आर, राजा की जो मिनिस्टर्स है वो बहुत कितना क्लेवर थे. ईच ऑफ दिस हैज ए स्पेशल वर्ड्स अरेंजमेंट, हर किसी में देखिए एक एक स्पेशल वर्ड्स अरेंजमेंट हुई है. देयर यूज डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेस्ट ऑफ स्पीच और राइटिंग. देखिए सिंपलर नेम इन पंचुएशन मार्क, यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, स्टेट्समैन रहेगी और कहाँ पे ख़त्म होगी, फुल स्टॉप से. इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन, सिंपलर नेम क्या, क्वेश्चन से शुरू क्वेश्चन मार्क, और कहाँ से शुरू होगी, क्वेश्चन किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होगी. इंपेरेटिव सेंटेंस कमेंट्स किया जाएगा या रिक्वेस्ट किया जाएगा, और जाओ जो फुल स्टॉप से भी ख़त्म होती है या एक्सक्लेमेशन मार्क से भी ख़त्म होती है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो एक्सक्लेमेशंस और एक्सक्लेमेशन मार्क से ही ख़त्म होती है, जो जहाँ से हम लोग अपना फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म होती है. अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिकेट विद द टिक मार्क्स इन द टेबल बिलो व्हाट टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देन ऐड करेक्ट एंड पंक्चुएशन मार्क्स टू द सेंटेंस. वन इज डन फॉर यू, सम कुड हैव मोर देन वन आंसर.
बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक सेंटेंस है दिया गया है, जो सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको पता करना होगा कि ये इम्पेरेटिव हो या डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी मार्क है। एक आपके लिए कर दिया गया है फर्स्ट वाली नंबर, तो फिर हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे। आई वॉज ऑन ए शिप इन 1989। तो नंबर टू कौन सा में आएगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब मैं शिप में था 1989 में, ये सिंपल सिर्फ बता रहे हैं। What a great experience it was. यहाँ पे full stop होगा। What a great experience it was. यहाँ पे क्या आपकी feeling express हो रही है? जहाँ पे आपकी feeling express होती है, वो exclamatory में आ जाती है। तो exclamatory marks आएगी यहाँ पे। अब हो रही, please put away this cartoons. इसको please दूर रखो इस cartoon से। और यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे कभी कभी एक्सक्लेमेटरी में क्या बताया गया है कि आप यहाँ से फुल स्टॉप से भी ख़त्म कर सकते हैं, सॉरी इम्पेरेटिव सेंटेंस में कभी कभी आप फुल स्टॉप से भी ख़त्म कर सकते हैं, जहाँ पे कॉमन या फिर एडवाइस किया जाता है या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप से ख़त्म हो रही है, और ये आती है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ये आती है इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर फाइव, ब्रिंग योर क्राफ्ट्स वर्क ग्रुप टुमारो। अब बोल रहा है कि ये सिंपल सा सेंटेंस है आपको, वो बोल रहा है कि ब्रिंग योर क्राफ्ट्स वर्क ग्रुप टुमारो, कल आपका क्राफ्ट वर्क ग्रुप लेके आना। तो ये फाइव नंबर होती है, फाइव नंबर इम्पेरेटिव में आ जाती है, इम्पेरेटिव में रिक्वेस्ट हो या फिर कमांड हो, तो जिसके वजह से आप फुल स्टॉप से भी ख़त्म होती है। वेयर इज मुर्शिदाबाद लोकेटेड? अब बोल रहा है कि मुर्शिदाबाद कहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगी। और नंबर सिक्स कहाँ पे आएगी? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कहाँ पे मुर्शिदाबाद लोकेटेड है, कहाँ पे उपस्थित है। सेंडिंग एन ईमेल इज इजियर देन राइटिंग योर लेटर। अब बोल रहा है कि ईमेल आईडी भेजने से भेजना बहुत ईजियर है एक लेटर लिखने से। तो इसका होगा सेवन नंबर डिक्लेरेटिव सिंपल सेंटेंस। अब आती है एट नंबर, हु इज़ द फर्स्ट वोमेन टू फ्लाई एन एरोप्लेन। कौन फर्स्ट वोमेन है जो फर्स्ट एरोप्लेन चलाए थे, तो इसको क्वेश्चन मार्क में हम लाएंगे। जो इंट्रोगेटिव पूछा जा रहा है, कौन चलाया था, फर्स्ट वोमेन कौन थी जो एरोप्लेन उड़ाई थी। हाउ क्रूएल इट इज टू मेक लिटिल चिल्ड्रेन वर्क इन फैक्ट्रीज। अब इसको एक्सक्लेमेशन मार्क में, इसमें एक्सप्रेस होती है कि कितना क्रूएल है, कितना वो लोग उन लोगों का मन में ये है कि वो लोग छोटे छोटे बच्चे के द्वारा फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं। तो इसको एक्सक्लेमेशन मार्क से आपका मतलब फीलिंग यहाँ पे एक्सप्रेस हो रही है। ए किंगफिशर लेस सेवन एग्स एट ए टाइम। जो किंगफिशर है एक सेवन एग्स एट ए टाइम, एक ही टाइम में सेवन एग्स देती है। तो इसको क्या आएगा? ये सिंपल डिक्लेरेटिव में आया जाएगा, क्योंकि ये सिंपल सी सेंटेंस, ये सिंपल सी बता रही है कि किंगफिशर जो है वो सेवन एग्स एट ए टाइम ले करती है, देती है। अब ये आता है कि एक्सरसाइज फोर, राइट इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच शुड बी वुड बी आंसर्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, जो आंसर बाय द गिवन स्टेटमेंट के द्वारा आपको देना पड़ेगा। जैसे I will pack my bag after breakfast. इसको क्या होगा कि इंट्रोगेटिव में लाना पड़ेगा, तो इसका होगा When will you pack your bag? Number टू, it is 1 kilometer wide. How wide is it? Number थ्री, Prometheus brought fire to the earth from heaven. तो एक इसमें इंट्रोगेटिव में लाएंगे क्वेश्चन मार्क में, तो क्या बताएंगे? Who brought fire to the earth from heaven? I cannot close the windows because its frame has been. तो इसका क्वेश्चन मार्क में लाएंगे, Why can't you close the window? Anshuman's Ram is a golfer. तो अभी इसका क्वेश्चन, Who is Anshuman Ram? This mobile phone is my mother's. Whose mobile phone is this?
देयर आर 13 बर्ड्स इन द पिक्चर. हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द पिक्चर? आई वेंट टू वॉच ए मूवी लास्ट इवनिंग. वेयर डिड यू गो लास्ट इवनिंग? रफीक्स हाउस इज इन मनोहर नगर. वेयर इज रफीक हाउस लोकेटेड? कहाँ पे रफीक हाउस की घर? अभी वो बोल रहा है कि रफीक हाउस की घर मनोहर नगर में है, तो इसको क्वेश्चन में ट्रांसफर किए तो आया कि वेयर इज रफीक हाउस लोकेटेड, कहाँ पे रफीक साहब की हाउस है, जिसका आंसर यही है. अब 10 नंबर, दिस ट्रेन विल रीच देहरादून एट 4:00 इन द मॉर्निंग. जो ट्रेन है वो 4:00 में देहरादून पहुँच जाती है, तो इसका आंसर में आएगा, इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो आएगा व्हेन विल द ट्रेन रीच देहरादून, कब ये ट्रेन देहरादून में पहुंचेगी. एक्सरसाइज 5 में देखिए, राइट इंपेरेटिव सेंटेंस दैट कैन बी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस. अब बोल रहे हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस बनाओ. रिक्वेस्ट सोएब टू टर्न ऑफ द लाइट्स इन द बेडरूम. तो इसका आएगा, सोएब प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स इन द बेडरूम. इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस, जहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कमेंट करते हैं. ए वार्निंग ऑन एन इलेक्ट्रिक आयरन दैट वन शुड नॉट टच इट विथ वेट हैंड्स. ये वार्निंग है इलेक्ट्रिक आयरन जो है, जो कभी टच नहीं करना चाहिए वेट हैंड से, भीगी भी हाथ से. तो यहाँ पे डोंट टच विथ वेट हैंड्स, तो इसका आएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो कभी इसको वेट हैंड से, भीगे हुए हाथ से टच मत करो. उसके बाद आता है, ए वेबसाइट आस्किंग यू टू एंटर ए पासवर्ड टू लॉग इन. प्लीज एंटर योर पासवर्ड टू लॉग इन. ए कोच शाउटिंग टू हिज स्टूडेंट ड्यूरिंग रनिंग कंपटीशन. तो क्या होता है, तो अगर एक कोच जो है तो क्या बोल रहे हैं अपने स्टूडेंट को, जब रन कर रहे हैं तो रन कंपटीशन तो शाउट कर रहे थे, तो क्या होगा, रन फर्स्ट. क्या बोलते हैं वो लोग जब रन करते हैं, तो ऐसे बोलते हैं, रन फर्स्ट, आगे बढ़ो. उसके बाद आता है, सीक एट इंस्ट्रक्शंस टू सीक ए फोटोग्राफ ऑन एन एप्लीकेशन फॉर्म. पेस्ट योर फोटोग्राफ हियर. सीक एट पब्लिक प्लेस आस्किंग पीपल टू थ्रो लीटर इन द डस्टबिन. तो इसमें क्या आएगा, प्लीज थ्रो लिटर इन द डस्टबिन. एन इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर एंड द एकॉम्पेनिंग मैसेजेस. तो यहाँ पे आएगा 1800 कॉल इन केस ऑफ एन इमरजेंसी नंबर. ए लाइन फ्रॉम ए रेसिपी नोट एंड एडिंग जिंजर. एड ए लिटिल जिंजर. रीराइट दिस फॉलोइंग सेंटेंस एज एन एक्सलर मेशन. अब एक्सक्लेमेशन मार्क्स तो आपको बता ही चुके हैं. द टैटपोल्स आर टीनी. तो इसको एक्सक्लेमेशन मार्क्स में लाएंगे. हाउ टीनी द टैटपोल्स आर. तो जिससे पता चलता है कि आपका मतलब फीलिंग्स एक्सप्रेस होती है. नंबर 2, इट्स वेरी सिली टू पेंट एन आइस क्यूब. हाउ सिली इज टू पेंट एन आइस क्यूब. द ग्रैंड कैनियन इन अमेरिका इज एन अमेजिंग साइट. व्हाट एन अमेजिंग साइट द ग्रैंड कैनियन इज अमेरिका इज. कुलदीप बासु इज अ वंडरफुल फील्डर. व्हाट ए वंडरफुल फील्डर कुलदीप बासु इज. द सॉक्स रोहिणी नीड्स आर वेरी फ्लफी. हाउ फ्लफी द सॉक्स रोहिणी नीड्स आर. नंबर 6, इज डेंजरस टू प्ले विथ फायर क्रैकर्स.